भाई साथियों। और साथियों ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो ये चरणबद्ध आंदोलन है और ये पहला चरण हमारा है कि हमारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है साथियों। इसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वो हमारा 25 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालय पे श्रृंखला वधमरण अनशन होगा साथियों। और उसके बाद 31 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालय पे रैली प्रदर्शन होगा। और 6 नवंबर 2022 को पूरे देश में 11 लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, यानी 11 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे साथियों। साथियों लेकिन ये जो हो रहा है कार्यक्रम, ये जो आंदोलन हमारे नेतृत्व द्वारा दिया गया, तो क्यों दिया गया, तो इसके 14 कारण है। 14 मुद्दों को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम अभी आंदोलन का घोषित करके पूरे देश में चल रहा है साथियों। इसका मुख्य कारण, पहला जो जन्म हुआ इसका, ये आंदोलन घोषित क्यों किया गया, तो आप समझिए इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को जो आजादी मिला वो 26 नवंबर 1950 को बाबा साहब संविधान दिए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी शुरू। लेकिन साथियों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद भी आज के डेट में जो संविधान पे अमल करना चाहिए वो अमल नहीं हो रहा है साथी। वो अमल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि संविधान में जो बैठे, संविधान को चलाने वाले जो लोग बैठे हैं वो संविधान विरोधी लोग, वो संविधान द्रोह कर रहे। वो द्रोह कैसे कर रहे तो आप जानिए, 27 जून 2022 को हरियाणा में एक जिला है रोहतक जिला, उस रोहतक जिले में डीएनए परिषद लगा हुआ था। वो डीएनए परिषद बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के अफसुट विंग के तरफ से कार्यक्रम चल रहे थे साथी। और 27 जून जो कार्यक्रम लगा था वहां जबरदस्ती करके सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार, इन दोनों सरकार ने मिलकर उस डीएनए परिषद को जो परमिशन दिया गया था उस परमिशन को रद्द कर दिया गया, जो कि संविधान में आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है, वो मौलिक अधिकार है। वो मौलिक अधिकार क्या है, वो मौलिक अधिकार यह है कि जैसे हम ये माइक पे बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हमको संभाषण करने का, संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का ये अधिकार हमारे बाप ने हमको संविधान में आर्टिकल 19 में दिया है, उनके बाप ने नहीं दिया। लेकिन क्या है, वो संविधान चलाने वाले जो लोग हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान द्रोह कर रहे हैं। और द्रोह करने के बाद क्या किए, वो क्यों रोकना चाहते हैं हमारे सभा को, हमको क्यों नहीं डीएनए परिषद करने दिए, उसके पीछे भी कारण है साथी। वो कारण क्या है तो आप जानिए, हरियाणा में राखी गढ़ी है। वो राखी गढ़ी में क्या है तो राखी गढ़ी में खुदाई हुआ और उस खुदाई में क्या पाया गया, 4700 साल पहले, मतलब 4700 साल पहले क्या पाया गया, वहां अस्थियां पाई गई, जो लोग मरे थे उनकी हड्डी कंकाल मिले। और जब उन कंकालों का जांच हुआ तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो व्यवस्था था उस कंकाल से पता चला कि उस समय के ये लोग, उसमें क्या पता चला, उसमें एक बात और पता चला कि ये क्या है, ये जो 4700 साल पहले का ये कंकाल है और यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सभ्यता यहाँ विकसित था। और उससे क्या पता चला कि एक नया बात खुलकर आया, वो खुलकर क्या आया कि ये 4700 साल पहले का कंकाल है और ब्राह्मण इस देश में कब आए, 4000 साल पहले। और कंकाल कब का है, 4700 साल पहले, मतलब उसके 700 साल पहले, इनके आने के 700 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सभ्यता यहां विकसित था। इससे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण हमारे देश के रहने वाले नहीं है, डीएनए से प्रमाणित हो गया। और डीएनए से प्रमाणित हो गया, इसको रोकने के लिए इस पर चर्चा ना हो और देश में इसका चर्चा ना हो और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा ना बने, इसको रोकने के लिए 27 जून 2022 का जो कार्यक्रम था उसको रोका गया साथी। मतलब वो
छुपना चाहते हैं, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मान्य वाहन में श्राम साहब ये कह चुके हैं कि डीएनए से ब्राह्मण विदेशी है, ये छुपने वाला नहीं है, अभी आम आदमी में प्रचार हो चुका है। लेकिन वो कर क्या रहे, हमारे कार्यक्रम को रोक रहे। ये पहला मुद्दा जो हुआ, इस मुद्दा के लिए आंदोलन किया जा रहा है साथियों। दूसरा मुद्दा क्या है तो आप जानिए, 21 अगस्त 2022 को यही उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाम सेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का महिला संघ नहीं माताजी, मूल निवासी संघ 37वां राज्य अधिवेशन था, उस राज्य अधिवेशन का परमिशन दिया गया और वो अधिवेशन हाल में होने थे, बंद हाल में कोई भी कार्यक्रम करिए उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या किया गया, एक दिन पहले जिस बारात घर में कार्यक्रम होने थे, वो अधिवेशन होने थे, उसके दीवाल पर एक पर्चा चिपका दिया गया, एक नोटिस चिपकाया गया। उस नोटिस में क्या कहा गया कि आपके कार्यक्रम का परमिशन रद्द किया जाता है, यहां धारा 144 लागू है। मतलब ताज्जुब है कि धारा 144 जब चाहे जहां चाहे वहां लागू कर दे रहे, मतलब हमारे कार्यक्रम हो रहे वहां धारा 144 लागू। और क्या किया गया आप जानिए, मिलिट्री फोर्स के बदौलत और पुलिस बल के बदौलत उस कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया। ये आंदोलन जो चल रहा है इसका दूसरा कारण है सर। तीसरा कारण इस आंदोलन के है, ये सभी लालजी गौतम जी कह रहे थे कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं साथियों, तो ऐसे नहीं कह रहे। आप जानिए कैसे बदला जा रहा है संविधान, आपको समझना होगा। वो डंका पीट के काम कर रहे, लेकिन हमारा मूल निवासी बहुजन समाज अभी सोया हुआ है, इनको जगाने की जरूरत और बताने की जरूरत है। जब हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे थे, इस लॉकडाउन के दौरान बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाए गए और जो श्रम कानून बनाए गए, उसमें 27 श्रम कानून को संशोधन कर दिया गया, खत्म कर दिए गए। आप जानिए जो श्रम कानून बाबा साहब द्वारा बनाए गए थे उसमें क्या था कि हमारा आदमी 8 घंटा नौकरी करेगा और उसके बदौलत उसको एक वेतन दिया जाएगा। लेकिन साथियों आप जानिए, उस 8 घंटा को बदल कर 12 घंटा कर दिया गया, 12 घंटा कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, यदि किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, उस फैक्ट्री के मालिक आपको हटाना चाहते हैं, तो हटाने के पहले वो कारण आपको बताएंगे और नोटिस देंगे, और नोटिस का जवाब मांगेंगे। 90 दिन के अंदर उस नोटिस का आपको जवाब देना होगा। ये श्रम कानून थे, अब 90 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप जवाब दीजिए, और चाहे जो आरोप लगा उसके खिलाफ आप कोर्ट में चले जाइए, ये कर सकते थे आप। लेकिन आप जानिए लॉकडाउन के दौरान क्या किया गया, उस कानून को खत्म कर दिया गया। अब अगर फैक्ट्री मालिक शाम को कह दे कि सुबह फैक्ट्री में नहीं आना है, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं, वो एक लाइन में आदेश करेगा, फरमान जारी करेगा कि आपको कल से कंपनी में नहीं आना है तो नहीं आना। आप जानिए इतना भयंकर मामला कि 27 श्रम कानून खत्म कर दिए गए और हमारे लोगों को घरों के अंदर बंद किया गया कोरोना का मामला दिखाकर। लेकिन इसी दरमियान आप जानिए, जो अभी लालजी गौतम जी कह रहे थे संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो साथियों आप लोग पेपर डेली पढ़िए, और कम से कम एक नहीं दो पेपर जरूर पढ़िए, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जरूर पढ़िए। ये कुछ काम करते हैं तो कुछ काम आता रहता है। 12 अगस्त 2022 को ये दैनिक जागरण में छपा है, मेरे मोबाइल में फोटो है, वो फोटो खींच के रखा हूं, वो दैनिक जागरण में और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। क्या छपा कि अब भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है और भारत में हिंदू राष्ट्र लागू होना चाहिए, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश का संविधान बनकर तैयार है, और उस संविधान के माध्यम से जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार संविधान तैयार है उसके अनुसार देश चलना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर देश चलेगा तो आप समझ सकते क्या होगा। अभी हमारे लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं लेकिन हिंदू समझते नहीं। अरे वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, लेकिन हमारे ही कौम का एक बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल राजस्थान के जालौर जिले में सिर्फ घर से पानी पीने के लिए उसको पटक पटक
मार डाला गया। किस बात के हिंदू भाई, घड़ा छूना घुड़ा है। अभी जितेंद्र मेघवाल मोच रख लिया, इस वजह से हत्या कर दिया गया। जितेंद्र मेघवाल भी हिंदू है और वो भी हिंदू है। किस बात के हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन साथियों हिंदू है क्या? हिंदू मुगलों द्वारा दी गई पारसी शब्द है। हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। और ये मैं नहीं कहता, आप जानो उन्हीं के महापुरुष दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखे, उस किताब में पृष्ठ नंबर 31 पे क्या लिखे, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है और हम लोग हिंदू नहीं है और आर्य समाज की स्थापना किए थे। लेकिन आज वो महापुरुष मानते हैं, दयानंद सरस्वती को महापुरुष मानते हैं, लेकिन आज वो हिंदू का ढिंढोरा भी पीटते हैं। तो मीडिया वाले पूछे, गोलवलकर से पूछे कि दयानंद सरस्वती को आप महापुरुष मानते हो कि नहीं मानते हो, तो गोलवलकर जवाब देते मीडिया वाले को, नहीं नहीं वो हमारे महापुरुष है। तो बोले आप उनको महापुरुष मानते हो और गोलवलकर हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, लेकिन दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो गोलवलकर जवाब देते हैं कि उस समय दयानंद सरस्वती सही थे, 1875 में दयानंद सरस्वती सही थे, लेकिन आज हम सही हैं। क्यों? क्योंकि गिरगिट को भी अगर कंपटीशन हो जाए, तो रंग बदलने का कंपटीशन हो जाए, तो गिरगिट से बहुत तेज, इनसे कई गुना ज्यादा तेज ब्राह्मण रंग बदलता है। इसको समझने की जरूरत है। उस समय क्या था, 1875 में आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, उस समय वोट देने का अधिकार आपको नहीं मिला था, इसलिए आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन जब आपको वोट का अधिकार लंदन में पारित हुआ 1917 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हम लोग थे, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन यह मामला चल रहा था। तो अगर लंदन में पारित हुआ वोट का अधिकार, तो आज नहीं तो कल भारत में भी आएगा, ऐसा वो लोग सोचे। तो सोचने लगे, क्या सोचे, जिनको तालाब में पानी पीने से वंचित किए, जिनको अधिकार वंचित किए, जिनके आगे मटकी गले में हाड़ी बांध दिए और पीछे झाड़ू बांध दिए, वो हमको ब्राह्मण के नाम पे वोट थोड़ी देंगे, ब्राह्मण के नाम पे वोट देने वाले नहीं है। इसलिए हिंदू का ढिंढोरा पीट कर हिंदू लाए, और आज के डेट में वही हो रहा है जो वो सोचे थे, आज वही हो रहा है। आज हमारे भाई क्या करते हैं, हिंदू के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन जाति के नाम पे अधिकार खत्म होता है, जाति के नाम पे शोषण। आज हमारे लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो आप जानिए हिंदू है क्या चीज, हिंदू क्या चीज है, तो आप जानिए। आपको संविधान में व्यवस्था मिला है, वो व्यवस्था क्या है, हमारी पहचान है, हम ओबीसी है, हमारी पहचान है, हम ओबीसी है, ओबीसी में उपजाति क्या है, तो हम भर जाति के, भर उपजाति के है। लेकिन साथियों संवैधानिक पहचान है, लेकिन आप जानो ये जाति व्यवस्था जो है एक तरफ है, और हिंदू ये बनाकर क्या कर रहे हैं, तो आप संतरा देखते हैं, संतरा, संतरे में ऊपर छिलका लगा हुआ होता है पीला, ये भी कौन सा रंग है भाई, वो लपेट के जो आते हैं संत लोग, भगवा रंग। अभी बहुत तेज तेज से डीजे बजा के कहते हैं भगवा रंग फैला फहराना है, भगवा झंडा फहराना। तो साथियों आप जानिए संतरा, संतरा क्या है, संतरे में भाकी अलग अलग होता है, कोई भर है, कोई कुर्मी है, कोई निषाद है, कोई मल्ला है, कोई बिंद है, कोई केवट है, कोई पासी है, ये जाति अलग है, तो उसमें फाकी अलग अलग है, लेकिन एक फाकी का रस दूसरे फाकी में जाता नहीं है। और हिंदू का बड़ा नेता ये चादर ओढ़कर सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है और क्या कहता है, हिंदू। और हिंदू का बड़का नेता कौन होता है, वो होता है हिंदू के नाम पे आप उसको वोट देते हैं, और जब चुनकर जाता है तो आपके विरोध में काम करता है। इसका एक उदाहरण भी बता दे, अभी 1931 में ओबीसी के लोग यहां बैठे, 1931 के बाद हमारी जात आधारित जनगणना नहीं हुई, ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं हुई 1931 के बाद, आज तक नहीं हुई। अभी नरेंद्र मोदी का जब चुनाव हुआ 2014 में, तो नरेंद्र मोदी जी जोर जोर से प्रचार किए क्या, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनेगा, और क्या कहे, नीची जाति का प्रधानमंत्री बनेगा, और क्या कहे, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। तो हमारे लोग भावनाओं में वोट देते, अब भावनाओं में वोट देने के साथ साथ क्या किए,
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए और चाय बेचने वाला धीरे धीरे क्या किया, आज देश बेचना शुरू कर दिया। और देश बेचते बेचते कहां तक पहुंचा दिया कि आप जानिए, बीपीसीएल बेच दिया, LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, यहाँ तक पोर्ट बेच दिया। वो बेचने का काम लगातार कर रहा है आदमी, मतलब चाय बेचने वाला देश बेचने का काम कर। लेकिन आप जानिए, ओबीसी का प्रधानमंत्री है और चादर पहन के आए, वही भगवा चादर, और क्या कहा, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनेगा, हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा। और हिंदू प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बयान हेल्पी देता है कि मैं ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं करा सकता। अरे गधे से गधे आदमी को कुल्हाड़ी दीजिए, अपने पैर में नहीं मारेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी समझदार आदमी, प्रधानमंत्री और समझदार आदमी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, यह समझ के बाहर आ रहा है बात कि अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है आदमी। ओबीसी का प्रधानमंत्री और ओबीसी की जात आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहता, तो आप जानिए, वो रखा हुआ प्रधानमंत्री है। उसको रखा कौन है, तो नागपुर में जो बैठे लोग हैं, वो नागपुर से बैठ के दिल्ली चलाते हैं। इसीलिए अभी हम लोग नागपुर घेरने का काम किए, अभी दिल्ली घेरने की जरूरत नहीं। वो RSS के लोग जो बैठ के नागपुर से दिल्ली को चला रहे, तो RSS के पीछे से इशारा होता है, जैसे अभी देश में नौटंकी चल रहा है। नौटंकी समझते हैं, नौटंकी नाच में पीछे से हिंट दिया जाता है क्या बोला जाएगा, क्या बोलना है। और नौटंकी नाच चल रहा है, पीछे से लोग इंगित करते हैं क्या बोलना है, फिर आगे लोग बोलते हैं। तो अभी ये देश चलाने वाले लोग नौटंकी कर रहे, RSS के लोग इशारा करते हैं, और नौटंकी करने वाले बाहर में नौटंकी कर रहे। साथियों, ये समझने की जरूरत है। तो अभी ये पांचवा मुद्दा हमारा जो था, ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं कर रही सरकार, उसका कारण ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी पर्ची की जो गिरती है, उस पर्ची का 100% गिरती होना चाहिए केस डिस्प्यूट। ऐसे करने के लिए हम लोग इधर धरने पर बैठे। साथियों, इसके साथ साथ और एक मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है कि अभी ओबीसी जाति को हिंदू बना रहा है। तो मैं ओबीसी भाइयों को कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू बनाने का पीछे जो मकसद है, अभी लालजी भाई बता कर गए, हिंदू बनाने का मामला नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। तो हिंदू बनाने का मामला सिर्फ एक है, इस देश में ब्राह्मण तंत्र स्थापित करना, ब्राह्मण राज स्थापित करना। तो साथियों, अभी ओबीसी को समझने की जरूरत है कि अभी हमको हिंदू नहीं बनना है, हमारी जात आधारित जनगणना करो और संख्या के अनुपात में हमको भी हक अधिकार मिले, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। दूसरा साथी, एक मुद्दा और है, हमारे अलावा आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, वो आदिवासी भाइयों की जब जनगणना की जाती है तो जबरदस्ती हिंदू बनाया जाता है। लेकिन साथी, आदिवासी जो लोग हैं, आप जानिए, वो प्रकृति के पूजक है और वो सरना धर्म को मानते हैं, वो सरना धर्म को मानते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। इसके विरोध में वो लाखों लोग रोड पर उतर रहे, लेकिन उनके तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, इसके लिए भी अभी भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, जो आदिवासियों के चल जंगल जमीन को सरकार द्वारा उद्योगपतियों को कौड़ी के भाव में बेचा जा रहा है, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, उसके विरोध में भी ये आंदोलन चल रहा है। साथियों, इसको भी समझना होगा। साथ ही साथ अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है साथियों, ये RSS एक आतंकवादी संगठन है, ये ऐसे नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ये प्रमाण है, अजमेर में जो बमला कांड हुए, RSS के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास का दंड मिला। RSS का कार्यकर्ता अजमेर में बमला कांड किया। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, असीमानंद चटर्जी, ये तमाम मुद्दे मेरे पास है साथियों। अभी तमाम मुद्दे जो है, तमाम बम ब्लास्ट कांड जो है, अभी कराए गए साथियों भारत में। आप जानिए, मालेगांव बम ब्लास्ट कांड RSS के लोग द्वारा कराया गया, 26/11 का जो कांड हुआ मुंबई में, जो ताज होटल का, वो RSS के द्वारा कराया गया। आप जानिए, ये जब दंगा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो क्या करते हैं, सारे ओबीसी के लोग हिंदू बनकर इनको वोटिंग करते हैं। ये दंगा फैलाने का काम RSS के लोग करते हैं। आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा कोई आतंकवादी संगठन है तो RSS के लोग है साथियों। ये जितने भी दंगे भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहे, RSS के लोग कर रहे हैं साथियों। तो RSS के लोगों पे उनको बैन किया जाना चाहिए, इसके लिए आंदोलन हमारा चल रहा है साथियों। इसके साथ साथ आप जानो कि बिल्किस बानो का, अभी बिल्किस बानो का जो बलात्कार किए, उस बलात्कार में क्या हुआ, 11 लोग सम्मानित हुआ।
के कारण आप जानिए आरएसएस और बीजेपी की सरकार, आरएसएस और बीजेपी की सरकार एक आदमी क्षमा मांग रहा था और एक आदमी के क्षमा मांगने के वजह से 11 लोगों को बरी कर दिया गया और दिल के सवालों को न्याय नहीं मिला साथियों। उसके खिलाफ हम लोग यह आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी भारत में जो चल रहा है जितेंद्र मेघवाल का मोच रखने की वजह से हत्या, इंद्र कुमार मेघवाल का जो घड़ा में पानी पीने की वजह से हत्या हो रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग आज यह चरणबद्ध आंदोलन जो शुरू हुआ है मेसराम साहब के नेतृत्व में जो पूरे भारत में चल रहा है यह आंदोलन चल रहा है। इसके साथ साथ आखिरी जो मुद्दा है साथियों, ये हमारे लोगों के साथ साथ अन्य एक जातियां और है, वो घुमंतु जाति जो है, जो अर्ध घुमंतु जाति है साथियों, आप लोग देखते होंगे वो क्या देखते हैं कि साइकिल में लोग अपना सामान बांधकर और रोड से गुजरते जाते हैं और किसी भी गांव के बाग में वहां ठहरते हैं और गांव में भीख मांग के खाते हैं। ऐसे लोग भारत में 12 करोड़ लोग हैं जिनको विमुक्त जाति कहा जाता है, एक घुमंतु जाति है। ये 12 करोड़ भाई किसके भाई है? हमारे भाई है। उनके धन संपदा को छीन कर उनको घरों से बाहर रहने पर मजबूर कोई किया तो कौन लोग किए? कि आरएसएस बीजेपी के लोग आज तक उनको पहचान नहीं दे रहे, ना ही उनको सुख सुविधा दिया जा रहा है, उनको आज तक अधिकार वंचित किया गया। 75 साल की आजादी में ये भारत की स्थिति है साथियों। 314 मुद्दों को लेकर ये भारत में हम आंदोलन कर रहे हैं और भारत के आप जानिए 567 जिलों में आंदोलन चल रहा है साथियों। इस आंदोलन में जो आप लोग सहयोग किए हैं तो आप जानिए अगला जो आंदोलन का डेट है 25 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालय पर हमारा अनशन है। तो आज जितने लोग आए हैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज एक कामयाब किए धरना प्रदर्शन को आने वाले समय में गांव और गली में जाकर इसका प्रचार करिए कि इन 14 मुद्दों का प्रचार करिए। और आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी संगठन के माध्यम से इस देश को चलाया जा रहा है और देश को चलाने वाले लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, इस नौटंकी को अभी बंद करना है और इस देश में लोकतंत्र कायम करना है, इस देश के संविधान को बचाना है। और संविधान बदलने की जो बात चल रही है तो आप जानिए अभी 6 अक्टूबर को हम लोग उधर गए थे और 6 अक्टूबर को ये दिखा चुके हैं कि अभी आप इतने देख रहे हो तो आप जानो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो तो देर नहीं लगेगा साथियों। ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और नागपुर पहुंचने में देर नहीं लगता और पूरे देश के लोग पहुंचेंगे। तो ये भी भूल गए हैं कि नागपुर जो नाम पड़ा है वो नागवंशियों का क्षेत्र है और वहाँ नागवंशी लोग रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं और नागवंशी का एक इतिहास है और नागवंशियों का एक इतिहास है। 1 जनवरी 1818 का 500 लोग 28,000 को काट डाले थे और 2004 से भाग गए थे। तो चंद्रमुट्ठी बन लोग जो 3.5% के लोग ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो नागपुर पहुंचकर ईंट से ईंट बजाने का काम ये मूल्यवासी नागवंशी लोग करने वाले हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं, अभी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में साथ सहयोग करने की जरूरत है और इस आंदोलन में गांव गली में जाकर अपने लोगों को समझाने की जरूरत है और समझाकर इस आंदोलन से जोड़ने की जरूरत है और जोड़कर शक्ति मजबूत करना है और शक्ति बनाकर आंदोलन रूप में अभी मेसराम साहब जो आंदोलन का घोषणा किए हैं तो आप जानिए अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं। एक ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, अभी तो हार कपा लिए है तो अभी हार नहीं हड्डी भी बजेगा, उसमें दो राय नहीं है साथियों। अभी हम ये करने वाले हैं तो अभी मोहन भागवत जी का बयान बदला है कि ब्राह्मणों का भी सीख लेना चाहिए, हमारे महापुरुष जो गलती किए ब्राह्मणों का भी माफी मांगना चाहिए। अभी योगी जी क्या कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो गलती की गई वो हमारे द्वारा नहीं मुगलों द्वारा की गई। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 40% हिस्सेदारी लेकर मुगलों के साथ मिलकर ये राज किए हैं तो इनको भूलना नहीं होगा। चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर राज किए, आप उठाकर देखो कि जोधा भाई कौन थी और देखकर राज किए ये लोग, मिलकर अपनी बहन बेटियों को देखकर राज किए हमारे ऊपर और राज कर रहे मुगलों द्वारा की गई है। तो लेकिन साथियों हम जान रहे इतिहास, वो हमको क्या इतिहास पढ़ाएंगे, वो अपना इतिहास जान ले कि 3.5% यूरोपियन विदेशी हमारे ऊपर हुक्मरान बन के हुक्म बजा रहे तो आने वाले समय में इन 3.5% लोगों को सबक सिखाने का काम भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा करेगा और बहुजन मुक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य होने का और प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, ये वचन मैं देता हूँ। इस आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आप लोग मुझको सुने इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।